हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वी हैव ओनली गोट 3 more days लेफ्ट। वी हैव ओनली गोट 3 more days लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। वी हैव ओनली गोट 3 more days लेफ्ट। तमाम कोशिशों के बाद भी मैं इस बार भी फेल हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई ऑल्सो फेल्ड दिस टाइम। After all my efforts, I also failed this time। कह रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी मैं इस बार भी फेल हो गया। After all my efforts, I also failed this time। अब तक उनको समझाने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। कह रहा है कि सो फार यानी कि अब तक, सो फार ऑल माई एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड हैव फेल्ड यानी अब तक उन्हें समझाने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। सो फार ऑल माई एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड हैव फेल्ड। तो तुम कह रहे हो कि हमें सावधान रहना होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सो यू आर सेइंग वी हैव टू बी केयरफुल। सो यू आर सेइंग वी हैव टू बी केयरफुल। तो तुम कह रहे हो कि हमें सावधान रहना होगा। सो यू आर सेइंग वी हैव टू बी केयरफुल। अगर तुम सही भी हो तो भी इससे मेरा क्या लेना देना। सो फ्रेंड्स, इसकी बात सुन के कह रहा है कि इवन इफ़ यू आर राइट यानी कि अगर तुम सही भी हो, इवन इफ़ यू आर राइट व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी, तो भी मेरा इससे क्या लेना देना। इवन इफ़ यू आर राइट व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी, अगर तुम सही भी हो तो भी इससे मेरा क्या लेना देना। मैं तो शहर में रहता भी नहीं, आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन यानी मैं तो शहर में रहता भी नहीं, आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। तुम गुस्सा किस लिए हो रहे हो, तो कोई बिना बात के इस पर गुस्सा हो रहा है, पूछ रहा है कि वट आर यू गेटिंग एंग्री फॉर। वट आर यू गेटिंग एंग्री फॉर यानी क्या वजह है तुम्हारे गुस्से की, गुस्सा किस लिए हो रहे हो। वट आर यू गेटिंग एंग्री फॉर, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। आई डिडेंट इवन से एनीथिंग टू यू। आई डिडेंट इवन से एनीथिंग टू यू, कह रहा है कि मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। आई डिडेंट इवन से एनीथिंग टू यू, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट यानी तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, तुम्हें भूख लग रही होगी। यू मस्ट बी हंग्री। यू मस्ट बी हंग्री यानी तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट। आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट, मेरा अभी खाने का मन नहीं कर रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइट नाउ। आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइट नाउ, कह रही है कि मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक ईटिंग राइट नाउ, आजकल जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लाइफ इज गेटिंग हार्ड दिस डेज। लाइफ इज़ गेटिंग हार्ड दीज डेज, कह रही है कि आजकल ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। लाइफ इज़ गेटिंग हार्ड दीज डेज, मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर मी इट्स बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ। फॉर मी इट्स बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ, कह रही है कि मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। फॉर मी इट्स बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ, अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी से मिलने की बात चल रही है, कह रही है कि अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, वुडेंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ। वुडेंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ यानी अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊँ। इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, इसका दोस्त इससे कह रहा है कि दिस टाइम आई वॉन्ट लेट यू गो अलोन। This time I won't let you go alone. इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। This time I won't let you go alone. तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। You have got to take me with you. You have got to take me with you. कह रहा है कि तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। You have got to take me with you. मुझे भी उससे कुछ काम है। आई टू हैव गोट सम बिजनेस विद हिम। आई टू हैव गोट सम बिजनेस विद हिम यानी मुझे भी उससे कुछ काम है। आई टू हैव गोट सम बिजनेस विद हिम, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू।
यू मे गो इफ यू विश, इट्स अप टू यू। कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। यू मे गो इफ यू विश, इट्स अप टू यू। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक प्रोमिसज यू कॉन्ट कीप। डोंट मेक प्रोमिसज यू कॉन्ट कीप, तो इसकी सिंपली हिंदी होगी ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। डोंट मेक प्रोमिसज यू कॉन्ट कीप। इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर ये लड़की इससे कह रही है कि ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू। ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू, यानी इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ऑन दिस पॉइंट आई डोंट एग्री विद यू। क्योंकि वो पैसे वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट बिकॉज ही इज रिच डजेंट मीन ही इज हैप्पी। जस्ट बिकॉज ही इज रिच डजेंट मीन ही इज हैप्पी। कह रही है कि क्योंकि वो पैसे वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। इस मामले में मेरा कुछ ना कहना ही बेहतर है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर। इट्स बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर। कह रहा है कि इस मामले में कुछ ना कहना ही बेहतर है। इट्स बेटर टू से नथिंग अबाउट दिस मैटर। मुझे अपने पिता के साथ रहना पसंद नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक लिविंग विद माई डैड। आई डोंट लाइक लिविंग विद माई डैड, यानी मुझे अपने डैड के साथ, अपने पिता के साथ रहना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक लिविंग विद माई डैड। वो मुझसे पूरे दिन काम करवाते हैं। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे, यानी वे मुझसे पूरे दिन काम कराते हैं। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। अगर मैं रुकी तो सच में पागल हो जाऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। कह रही कि अगर मैं रुक गई तो सच में पागल हो जाऊंगी। आई विल ट्रूली गो क्रेजी इफ आई स्टे। वो पुलिस वाले को देखते ही भाग गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी के बारे में बता रही है। कह रही है कि एज सून एज ही सो अ पुलिसमैन ही रैन अवे। एज सून एज ही सो अ पुलिसमैन ही रैन अवे, यानी वो पुलिस वाले को देखते ही भाग गया। एज सून एज ही सो अ पुलिसमैन ही रैन अवे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।